बैंक ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण संस्थान RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान धनबाद, निशुल्क प्रशिक्षण और साथ में है RCT का बाजार। शायद धनबाद वासियों के लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन ग्रामीण वासियों के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिला जिस ढंग से आत्मनिर्भर हो रही हैं और उन्हें स्वरोजगार मुहैया कराया जा रहा है, तो उसके पीछे बैंक ऑफ इंडिया RCT का बहुत बड़ा योगदान है। ये स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सीधे महिलाओं को रोजगार से जोड़ती है, उन्हें निशुल्क ट्रेनिंग देती है, रहने का, खाने का, रॉ मटेरियल देती है बिल्कुल मुफ्त। ट्रेनिंग के पश्चात उन्हें बैंक से लोन मुहैया करवाती है और जो प्रोडक्ट वो बनाती है वो RCT उसे मार्केट में लाने का भी प्रयास करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का एक पराक्रम है और इसमें RCT बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। धनबाद में ये प्रशिक्षण संस्थान है और ये संस्थान लगातार कोशिश करते जा रहा है, जिसमें कि छोटा छोटा उद्योग महिलाओं को सिखा करके उसके घर के लायक काम में उसे इंगेज किया जाता है और उनका स्किल डेवलप होने के पश्चात जब उनके रॉ मटेरियल में फिनिशिंग आ जाती है, बाजार में बिकने लायक हो जाता है, उन्हें बाजार में भी बेचा जाता है। इसी दरमियान बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा सतर्कता जागरूकता सप्ताह, इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो या आपको गलत कोई प्रोडक्ट दे रहा है किसी मामले में, तो आप उससे कैसे बचें और आप अपनी शिकायत कहां करें। अगर शिकायत करने में आपको डर लगता है कि मेरा नाम और नंबर आ जाएगा तो उसका क्या प्रावधान हो सकता है, इस विषय पे विजिलेंस बैंक ऑफ इंडिया के विजिलेंस ऑफिसर भी शामिल थे और साथ में बैंक ऑफ इंडिया के DZM भी उपस्थित थे और उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया और सारी प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को ये जानकारियां दी कि प्रोडक्ट में अगर गड़बड़ी है तो उसे आप कहां पे शिकायत कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, और साथ में जो आप प्रोडक्ट बना रही हैं कैसे अपने आप सजग रह सकते हैं ताकि दूसरे कस्टमर को कोई भी गलत सामान नहीं मिल पाए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा RCT का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट बैचेज में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारे यहाँ 3 बैचेज चल रही है, 2 बैचेज यहाँ पे है ऑन साइट पे हो रही है और 1 ऑफ साइट पे हो रही है, और हम लोग यहाँ पे सारे कैंडिडेट को प्रशिक्षित करते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो हम लोग देते हैं, सो देट कि ये अपने गांव में जब जाएं और अपने पैरों पर खड़े हों, अपना स्वरोजगार व्यवस्थित करें कर पाएँ। और हम लोग ये भी इन लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी इनके आसपास के बैंक हैं, बैंक की ब्रांचेज हैं, जो मैं पर्टिकुलरली अपने बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बोलना चाहूँगा कि इनके गाँव में जो भी बैंक ऑफ इंडिया की नज़दीक की ब्रांचेज, वहाँ पर जाके संपर्क करें, वहाँ के मैनेजर को जाके बताएं कि वो ये काम करना चाहती हैं और उसके लिए जो भी आवश्यक फंड होगा उसके हम लोग देने के लिए उसको सुनिश्चित करते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा होता है जो अपना यहाँ RCT में हम लोग जो प्रशिक्षण के माध्यम से जो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो अभी जो लक्ष्य होता है वो हमारा 70% जो 500 समथिंग है ना, लक्ष्य के बारे में ये बता देंगे आपको। 70% हम लोग का लक्ष्य है सेटलमेंट का और 50% का लक्ष्य है हम लोग का क्रेडिट लिंकेज करने का, तो जिसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 80-90% हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो मैं रोहित राज, मेरा नाम रोहित राज है, मैं बैंक ऑफ इंडिया के धनबाद अंचल का सतर्कता अधिकारी यानी विजिलेंस ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे जो ये सतर्कता सेमिनार किया गया, ये वस्तुतः केंद्रीय सतर्कता आयोग के आदेशानुसार हमारे प्रधान कार्यालय के सतर्कता विभाग के तत्वावधान में ये सेमिनार किया गया। ये सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य था वो आम जनों के बीच में करप्शन को लेकर करके सतर्क रहने का जो एक संदेश है केंद्रीय सतर्कता आयोग का, वो पहुंचाना था। वस्तुतः अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो 3 महीने का एक कैंपेन चला रही है जो 16 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक है। इस कैंपेन को सतर्कता सप्ताह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कहा जाता है।
और इसी कैंपेन के तहत हम लोग तरह तरह की ग्राम सभा, तरह तरह के एक्टिविटीज़ जैसे ग्राम सभा, ये सेमिनार हो गया या वाकेथॉन, इस तरह का कार्य क्रियाकलाप जो 3 महीने करते हैं। और ये सब क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों के बीच में करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के जागरूकता फैलाने का है। तो अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो अभी इस साल का जो थीम लाइन है वो सत्यनिष्ठा की संस्कृति से देश की समृद्धि, सत्यनिष्ठा की संस्कृति से देश की समृद्धि, मतलब आपकी जो सत्यनिष्ठा है वो हमारे देश की समृद्धि में कैसे सहायक होगी, इसके बारे में ये थीम लाइन के ऊपर। और इसी तरह से हम लोगों ने ये कार्यक्रम बना करके और लोगों को समझाने का कार्य किया है। महिलाएं अभी कदम से कदम आगे बढ़ा रही हैं और ये भी चाह रही हैं कि हम कुछ करें, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि समाज में महिलाओं को पिछड़ापन का कारण महिला लोग थी, और महिलाओं को अब सरकार चाह रही है कि आगे बढ़ाएं, और इसी कड़ी में RCT भी कर रहा है और महिलाएं भी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रही हैं। ऐसे पुरुष लोगों के लिए भी यहाँ मना ही नहीं है, बहुत पुरुष लोग ही यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं। बाजार के लिए यहाँ RCT का तरीका बहुत डिफरेंट है और ट्रेनिंग सेंटर से, जैसे कि हम अभी ट्रेनर का काम करते हैं, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, तो प्रशिक्षण में 2 तरह का ट्रेनिंग होता है। एक स्किल का, जैसे मान लीजिए अभी फिनाइल और सर्फ बनाने का जो ट्रेनिंग है वो हमारी दीदी लोगों के द्वारा कराया गया है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है और सबसे पहले तो मैं बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी था और यहाँ 5 साल तक मैं डायरेक्टर रहा धनबाद RCT का, और हमारे ही कार्यकाल में ये RCT का उद्घाटन हुआ था। हम खुश नसीब हैं कि RCT में उद्घाटन के दौरान हम थे और आज भी हम हैं। आज हम लोग खड़े हैं RCT में और यहाँ पे महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है स्वरोजगार, और उन्हें पैर पे खड़ा होने का एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हर सुविधा दिया जाता है। और यहाँ पे अभी सतर्कता सुरक्षा वीक यानी कि सप्ताह मनाया जा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे बीच में जो सर है, सबसे पहले इनका परिचय लेंगे, और ये जो सप्ताह जो आप जो मनाने जा रहे हैं, ये जागरूकता जो फैलाने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है सर, पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम दिनेश प्रसाद हुआ, मैं ओम पाचलिक प्रबंधक यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में धनबाद में पोस्टेड हूँ। और ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम लोग RCT के माध्यम से ये जो क्या बोलते हैं सतर्कता मास विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो मना रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग चाहते हैं कि दीदी के माध्यम से जो करप्शन के अगेंस्ट में खड़ा होने की जो बात है वो दीदी के माध्यम से गांव-गांव जन-जन तक पहुंचे। ये चीज़ बताइए सर कि ये करप्शन तो बहुत तरह का वेराइटीज ऑफ करप्शन है, तो किस करप्शन की बात हो रही है आप जनरल करप्शन की बात हो रही है यहाँ पे ये हो रही है कि आप अपने जो अपने खुद की ज़िंदगी है, जो निजी जीवन में, उसमें भी आप अपने किसी भी तरह का गलत काम ना करें, और यदि पब्लिकली या कुछ सामाजिक लेवल पे कुछ गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट में खड़ा हों और उचित एजेंसी तक अपनी बातों को पहुँचाएँ। थैंक यू सर। अभी एक और हमारे जो विजिलेंस ऑफिसर हैं बैंक ऑफ इंडिया के, जरा उनसे हम मिलते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्टाइज हैं उस मामले में और ये हम लोग को सही गाइडलाइन देंगे बहन लोग को भी। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रोहित राज, सतर्कता अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया धनबाद अंचल। तो एक ही बताइए कि कोई एक छोटा सा करप्शन और उसका उदाहरण दीजिए, उसको कैसे रोका जाए ये बताइए प्रैक्टिकल वे में, ताकि बहन लोग को समझ में आ जाए। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे RCT में आए तो जो यहाँ पे बहने हैं वो बेसिकली उत्पाद से लेकर करके उत्पाद से संबंधित काम करती हैं। अब सपोज कि ये उत्पाद से संबंधित कोई करप्शन हो रहा है, मान के चलिए कि ये दोनों तरफ लागू होता है, ये बहनों के ऊपर भी लागू होता है कि वो जो उत्पाद बना रहे हैं तो वो सब स्टैंडर्ड ना हो, कम वजन का ना हो, कोई ख़राब क्वालिटी का ना वो बेचें, जो एक मानक प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई है उसका वो अनुपालन करें और उसी के तहत अपने उत्पाद को बेचें, सही प्राइस में बेचें, सही दाम में बेचें। अगर वो इसमें कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी करती हैं तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार कहलाएगा। तो इन
ये हो सकता है ये अनजाने में भी कर सकती हैं। तो इसके तहत जो है जागरूकता फैलाने के लिए कि ये जो चीज़ें हैं ये भ्रष्टाचार के अधीन आता है, भ्रष्टाचार के अंदर आ जाता है, तो आप ये ना करें, इस ये जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। ये अच्छी बात है सर कि ये इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें अगर किसी टाइप का अगर वो फॉल्ट करती हैं, टेक्निकली फॉल्ट करें चाहे गलती कर ले ऐसी, तो वो अच्छी बात है जी। लेकिन जो बाकी जो बड़े बड़े प्रोडक्ट जो गलती करते हैं जी, अब देखिए अगर कोई बड़े जो प्रोडक्ट हैं वो अगर गलती करते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर एजेंसी मिलावट करते हैं, मिलावट करते हैं। अब जैसे कि उसको कैसे रोका जाए वो बताइए। अभी अगर इनको लगता है कि किसी प्रोडक्ट में, कोई कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें अगर कोई भ्रष्ट मिलावट हुआ है जो कि एक भ्रष्टाचार का ही एक रूप है, तो वो भारत सरकार की एक एजेंसी है FSSAI, आप वहाँ जाकर के लिखित में या ऑनलाइन में भी जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में। तो उस पर भी जो सरकार की एजेंसी संबंधित एजेंसी है वो उस पर कार्रवाई करती है, उसका भी एक पूरा चैनल बना हुआ है सरकार के तरफ से और उस पर भी निदान होता है। हमारी बीच में दो बहनें हैं, इन्होंने सतर्कता सुरक्षा सप्ताह का ज्ञान भी लिया, यहाँ समझी बात को, लेकिन क्या समझी जरा हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैं केलियासुल ब्लॉक से है। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं ट्रेनर के रूप में आई हूँ, यहाँ पे मैं दीदियों को सरफ साबुन फिनाइल का ट्रेनिंग दे रही हूँ, इनको सिखा रही हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक ही बताइए कि ये सतर्कता सुरक्षा सप्ताह इसका क्या मतलब हुआ? जागरूकता का मतलब सर ये है, सर लोग हम लोग को जागरूक किए कि किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाएं, कंप्लेन करें, कंप्लेन करने का हम लोग का साधन भी बताएं कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा बात बताएं कि इसमें इस जगह में हम लोग का कहीं नाम भी नहीं आएगा। बहुत दीदी लोग नाम या फिर ये गाँव की दीदी लोग बदनामी के डर से नहीं करती है कि कल दिन हम लोग का नाम आ जाएगा तो अगल बगल में बदनामी होगा, इसके डर से भी नहीं करते। तो सर ने हम लोग को बहुत अच्छा से सिखाया बताया कि हम लोग कैसे कंप्लेन करें जिससे हम लोग का नाम कहीं भी नहीं आएगा और हम लोग का कंप्लेन अपने जगह में जाके वो अपना काम, मतलब अपना जो उनका रिपोर्टिंग है, जो उनका काम है, वो अपना काम अपने तरीके से कैसे करें वो सब के बारे में बताएं। भाई जानकारी तो मिली, एक चीज़ की कमी रह गई है, मान लीजिए साबुन में या सरसों तेल में मिलावट है, तो ये मिलावट का जानकारी मिलेगा कैसे सर? क्या इसका कुछ आइडिया है आपके पास? सेगमेंट से बाहर है तो ये चूंकि सेगमेंट से बाहर है, लेकिन ये भी सतर्कता का पहल होना चाहिए, पहला कदम होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट सही यूज़ कर रहे हैं या गलत यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि प्रोडक्ट सही कैसे यूज़ करना चाहिए और सही प्रोडक्ट क्या होता है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, धन्यवाद।